नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड मुक्ति मोर्चा महाधिवेशन में लगातार 10वीं बार केंद्रीय अध्यक्ष चुने गए शिबू सोरेन। हेमंत सोरेन बने कार्यकारी अध्यक्ष। महाधिवेशन में 700 प्रतिनिधियों ने शिरकत की। पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो के बाद से लगातार शिबू सोरेन अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सत्ता पाने के बाद भी इतराते नहीं हैं। यही वजह है कि गरीब, आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबके बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकप्रिय है। यही हमारी पूंजी है। अभी हम सत्ता में हैं, लेकिन ये मात्र पड़ाव है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की मंजिल गरीबों का कल्याण है, जिसके लिए लंबा सफर तय करना है। वे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले लगातार 10वीं बार शिबू सोरेन को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया। महाधिवेशन में 700 प्रतिनिधियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हर विधायक, सांसद, कार्यकर्ता को मजबूती के साथ राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के साथ खड़ा रहना होगा। गुरुजी और शहीदों के सपनों को ऊंचाइयों तक राज्य को पहुंचाना है, न थकना है न झुकना है। लंबे समय बाद राज्य में मजबूत सरकार बनी है। सरकार की नीतियों और फैसलों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महाधिवेशन में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि उपाध्यक्ष के 11 पदों को घटाकर 9 कर दिया गया है। महासचिव के पदों की संख्या 15 से 9 कर दी गई है। इसी तरह केंद्रीय समिति सदस्यों की संख्या 451 से घटाकर 351 कर दी गई है। सचिव की संख्या 25 से 15 होगी। पार्टी के महाधिवेशन में सर्वसम्मति से शिबू सोरेन 10वीं बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष चुने गए। पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो के बाद से वे लगातार अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। कार्य समिति में नामों का चयन करने के लिए शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।